आई एम मोहम्मद अजहरुद्दीन शेख। आज हम देखेंगे कर्सिव राइटिंग का लेटर डी। इससे पहले हमने सी तक देखा था बनाने का मेथड, तो आज हम देखेंगे कर्सिव राइटिंग का लेटर डी बनाने का तरीक़ा। तो इसमें जैसे हमने पहले देखा था कि ए बनाते वक्त भी हम ऐसी सीधी लाइन यहाँ से ले जाते हैं, बी बनाते वक्त भी सीधी यहाँ से ऊपर, सी बनाते वक्त भी सेम, और डी बनाते वक्त भी हम ऐसे ही स्टार्ट करेंगे, सीधी लाइन ऐसी लेकर जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप में यूँ होगा कि हम इसे यहाँ बनाएंगे अभी फ़िलहाल। तो हम फर्स्ट स्टेप में डी बनाने के लिए इस तरह से लाइन ले जाना होगा हमें। उसके बाद दूसरी स्टेप में यहाँ लाइन ले जाने पर हमें थोड़ा सा हल्का सा इस तरह बाजू राइट साइड में उसे रोटेट कर देना होगा। तो इस तरह से हम इसे रोटेट कर देंगे यहाँ पर सेकेंड स्टेप में। ये रोटेट करने के बाद उसे हमें वापस से लेकर आना होगा सी टाइप में, जैसे हम सी बनाते हैं। तो ये हमने यहाँ से लाइन लेकर गई और यहाँ से रोटेट करके सी टाइप में हमें ऐसे लेकर आना होगा थर्ड स्टेप में। और याद रहे कि ये जो पॉइंट्स है नोड, तो ये सेम सीक्वेंस में हो ताकि उसे कर्व होने में बनने में मदद मिल पाए, वरना अगर वो थोड़ा आगे जाती है तो बराबर से डी नहीं बन पाएगा। तो ये थी थर्ड स्टेप। उसके बाद फोर्थ स्टेप में हमें यहाँ से उसे ऊपर की जानिब लेकर चले जाना है यहाँ से सीधा, और बिल्कुल भी सीधी ना जाए वो, लेकिन थोड़ा सा तिरछे टाइप में वो जाना चाहिए, थोड़ा सा क्रॉस में। ये हमने इसे यहाँ से डिस्टेंस बनाकर यहाँ तक ला लिया है। अब ये थर्ड स्टेप के बाद हमें यहाँ से ले जाना होगा उसे, याद रहे कि यहाँ से थोड़ी सी तिरछी होती हुई वो लाइन जाए ऊपर ऊपर की जानिब। तो फोर्थ स्टेप में हम इस तरह बनाएंगे। और फिफ्थ स्टेप जो है, हमें ऊपर ले जाने के बाद उसे इस तरह से लास्ट स्टेप में ऐसा कर्व टाइप में कर देना है। तब हम इसे यहाँ पर ये डिस्टेंस लेंगे, सी टाइप में बनाएंगे, ऊपर ले जाएंगे और उसे नीचे ले आकर इस तरह से बनाएंगे। तो ये फिफ्थ स्टेप में हमारा डी बन गया। अब हम इसे रनिंग में बनाएंगे। रुक रुक के बनाने में थोड़ा फ़र्क आ सकता है, तो इसे हम इस तरह से बना सकते हैं। तो इस तरह से ये था डी बनाने का तरीक़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम कर्सिव राइटिंग का ई बनाने का मेथड देखेंगे। और आपको इंग्लिश के ये वीडियोस अगर मिलने चाहिए हर वक्त में, तो आप सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू वेरी मच।